नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस समय आप एक्सक्लूसिव यहां पर विजुअल्स देख रहे हैं। ये है बिहार की राजधानी पटना, और यहाँ पर ये जो प्रदर्शन निकाला जा रहा है, इसमें तमाम जो है राजनीतिक संगठन हैं, उसके अलावा अगर बात की जाए तो एनजीओज हैं। ये प्रदर्शन निकल रहा है मनीष कश्यप के समर्थन में, और पूरे बिहार में इस तरह के विजुअल्स आज आपको अलग अलग जिलों से देखने को मिलेंगे। इस समय हम जिस स्थान पर मौजूद हैं, ये पटना का एकदम इंटीग्रल जो है पार्ट है। आप देख सकते हैं बगल में जो है ये गांधी मैदान है। गांधी मैदान के गेट नंबर 12 के बाहर जो है इन प्रदर्शनकारियों को रोका गया है। दूसरी तरफ जो है वो आवाजाही भी जो है वो इस समय चल रही है। अगर बात की जाए, यहाँ पर तमाम जो है सुरक्षा बल मौजूद हैं, सुबह से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो है और भी फोर्सेस बुलाई गई हैं। यहाँ पर महिला सुरक्षा बलों को बुलाया गया है। यहाँ पर जो है पुलिस की PCR सुबह से ही मौजूद है। अगर बात की जाए तो लगातार जहाँ पर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर से इन प्रदर्शनकारियों को हटाने का काम, खदेड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो आज से 3 दिन पहले ही इस बिहार बंद की कॉल दी गई थी। अभी जो आपको पीछे ये विजुअल्स में झंडे दिखाई दे रहे हैं, दरअसल RJJP राष्ट्रीय जन जन पार्टी यहाँ पर जो है ये प्रदर्शन निकाल रही है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशुतोष कुमार, उनके नेतृत्व में इस प्रदर्शन को निकाला जा रहा है। और कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप पर क्यों ये कार्रवाई की गई है। हालांकि अगर बात की जाए तो यहां पर इन्होंने 3 जो है प्रिंट मीडिया का नाम लिया कि मनीष कश्यप के खबर दिखाने से पहले उन 3 देश के प्रमुख प्रिंट जो है मीडिया पर ये खबर जो है चल चुकी थी, उस पर जो है प्रसारित जो है वो अपने प्रिंट के माध्यम से की गई थी, लेकिन उस पर किसी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। केवल और केवल मनीष कश्यप को इस राजनीतिक षड्यंत्र का मोहरा बना करके यहाँ की जो राज्य सरकार है, बिहार सरकार है, वो उनको जो है जेल में बंद करने का काम कर रही है। और इसी को लेकर के अगर बात की जाए, यही प्रदर्शन जो है ना ही सिर्फ इस पार्टी की तरफ से, बल्कि आम भी, जब हमने बिहार के लोगों से बात की, आम युवाओं से बात की, बहुत दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं, तो उनका यही कहना था कि ये जान पूछ करके मनीष कश्यप को जो है वो यहाँ पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से बिहार की समस्याओं को उजागर करने का काम मनीष कश्यप कर रहे थे, वो अगर बात की जाए तो यहाँ पर राज्य सरकार को जो है वो नागवार गुजरा, और उसके बाद ही इस तरीके का एक्शन लिया गया। क्योंकि अगर एक्शन लेना था गलत खबर की जो बात इसमें चल रही है, तो उन प्रिंट मीडिया पर भी वो एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन केवल और केवल एक शख्स मनीष कश्यप पर ये कार्रवाई करना, ये दिखाता है कि यहाँ की राज्य सरकार में कितनी बुखलाहट है। और ये देखिए, ये सुबह से ही ये यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। सुबह से ही ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं अलग अलग चौराहों पर। पहले जो आगे बढ़ने का प्रयास भी जो है यहाँ पर ये कर रहे थे, लेकिन पुलिस जो आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। लेकिन अब जब ये आखिरकार प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया, तो प्रोटेस्ट मार्च ये निकलने के बाद यहाँ कारगिल चौक से लेकर के इस प्रोटेस्ट को जाना था डाक बंगलो चौराहा तक, लेकिन वहाँ तक नहीं जाने दिया गया। बीच में ही बैरिकेडिंग लगा करके गांधी मैदान के गेट नंबर 12 के बाहर इन सबको जो है रोक दिया गया, यहाँ पर इनके अध्यक्ष आशुतोष कुमार के साथ। और सुबह से ये अलग अलग जगह पर ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। इससे पहले भी अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले भी मोतिहारी में जो है वो प्रदर्शन निकाला गया था। मोतिहारी में जो काठमांडू को रोड जाता है, उसको यहाँ पर रोका गया था मनीष कश्यप के समर्थन में। और लगातार बिहार के अलग अलग जिलों से ये खबर जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी बीच आज 23 मार्च के दिन जो है ये यहाँ पर बिहार बंद की कॉल दी गई थी। और इसमें अगर बात की जाए तो इसी तरह के लोग 150 से 200 लोग हर जो है चौक चौराहे पर, मुख्य चौराहों पर आपको दिखाई देंगे जो उनके समर्थन में आए। बहुत से लोग मिले जो आज जो है अपनी छुट्टी कर करके और बहुत बहुत दूर से, 100 किलोमीटर दूर से, 120 किलोमीटर दूर से इस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं शामिल होने के लिए आए थे। और उनका कहना था कि हम जो है मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं, इसीलिए हम जो है अपना काम छोड़ करके आज उनके समर्थन में बिहार बंद की कॉल में इसीलिए यहाँ पर जुटे हुए हैं। अगर बात की जाए तो कुछ यहाँ पर दुकानें खुली हुई भी देखी जा सकती हैं, लेकिन कुछ जो दुकानें हैं, कुछ जो मार्केट्स हैं, वो यहाँ पर सुबह से ही बंद हैं मनीष कश्यप के समर्थन में। और लोगों का जैसे कहना था कि बहुत सारी समस्याओं को उठाने का काम जो है वो मनीष कश्यप ने यहाँ पर किया है, चाहे फिर वो उनकी यूनिवर्सिटी की आवाज़ उठाने का काम हो, चाहे फिर अनेकों ऐसे मुद्दे हों, बिहार की ऐसी समस्याएँ हों जिसको उजागर करने का काम किया है, लेकिन किसी ना किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने का काम यहाँ की सरकार कर रही है। और हमने पहले भी आपको वो खबरें दिखाई थी, आपको अलग अलग लोगों की बात सुनाई थी। ना ही सिर्फ यह
आवाज़ जो है वो बिहार से सुनने को मिल रही है, बल्कि अलग अलग राज्यों में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मनीष कश्यप के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर मनीष कश्यप की बात की जाए, बेशक उनको टैग दिया गया है सन ऑफ बिहार का, लेकिन इसके बावजूद वो अलग अलग राज्यों में जा करके वहाँ की खबरें दिखाने का काम जो है वो मनीष कश्यप करते थे। और इसीलिए अब देखा जाए तो ये राजनीतिक पार्टियां भी उनके समर्थन में दिखाई दे रही हैं, बहुत से लोग उनके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें अब राजनीति जो है वो और ज़्यादा इसलिए गर्माती जा रही है क्योंकि इस समय बिहार में एक और मुद्दा चल रहा है, वो मुद्दा है नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले का मुद्दा। तो लोगों का ये भी इस मामले में कहना है कि उस मुद्दे को ओवरशैडो करने के लिए इस तरह की जो है चीज़ें की जा रही हैं, इस तरह के प्रकरण जो है वो लाए जा रहे हैं, ताकि जो पूरा का पूरा विवाद है नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले का 2004 से 2009 के बीच में जो हुआ था, ताकि वो जो है ओवरलुक कर दिया जाए, उस पर जो है लोगों की जो है निगाहें नहीं जाएं। इसीलिए यहां पर ये मनीष कश्यप वाला जो ये पूरा प्रकरण है इसको शुरू किया गया। तो आवाज़ें ये भी उठ रही हैं क्योंकि आपको बता दें कुछ दिन पहले ही जैसे दिल्ली के अंदर छापेमारी हुई, कुल मिलाकर के देश के 24 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई थी जिसमें 600 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति का जो है इसमें पता लगा था। और अगर बात करें तो खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जो दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एकदम पॉश इलाके में जो मकान वो मिला था, जिसको 4 लाख में खरीदा गया था, जिसकी वैल्यू जो है 150 करोड़ रुपए थी, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है सवाल उठाए जा रहे थे। फिर तेजस्वी यादव को बुलाया गया, हालांकि वो नहीं गए, यहां पर जांच में उन्होंने सहयोग नहीं दिया। अब जो है बाद में उनको आश्वासन दिया गया कि इस महीने आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो इसलिए अब जो है दोबारा से उनको बुलाया गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है वो कॉल ऑफ कर दिया गया है। सुबह से ये प्रोटेस्ट जो है सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें बूढ़े भी हैं। तो सुबह से ही ये प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए थे। अब आखिरकार प्रशासन की तरफ से समझाने के बाद यहाँ पर जो पहले प्रयास किया गया था कि ये लोग आगे बढ़ें, जो डाक बंगलो चौराहा वहाँ तक जाए, लेकिन आखिरकार यहाँ पर जो आशुतोष कुमार हैं जिनकी अध्यक्षता में प्रोटेस्ट निकाला जा रहा था, अब उन्होंने अपने समर्थकों को बाकी समर्थकों को समझाकर इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर कॉल ऑफ करने का काम किया है। और 15 दिन की मोहलत जो है वो बिहार सरकार को दी है कि मनीष कश्यप को रिहा किया जाए, नहीं तो इसके बाद आज शांतिपूर्वक तरीके से जो है ये प्रोटेस्ट देखने को मिला, इसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है और ज़्यादा उग्र बिहार की सड़कों पर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ अर्जुन खजूरिया। अभी हमारे आधा दर्जन साथियों को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ मारपीट भी की गई थी। अभी हम लोग कोतवाली थाना पहुंचे हैं, डीएसपी साहब से बात किए हैं, एडीएम साहब से मिल के आ रहे हैं, थोड़ी देर में उनको रिलीज किया जाएगा। एडीएम साहब बोले शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए। किया गया हमको रोक दिया गया था, उसके बाद हम वहाँ से रिलीज होकर आए तो तमाम साथियों से मिले कोतवाली थाना में जिनको अरेस्ट करके रखा गया है। अभी हम कंट्रोल रूम एडीएम साहब से मिल के आ रहे हैं, आधे घंटे में छूटेंगे, लेकिन तब छूटेंगे जब आप लोग शांतिपूर्व प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सब लोग वादा कीजिए कि सब लोग शांतिपूर्वक रहेंगे। सरकार कोशिश कर रही है कि आपको उग्र किया जाए और आपके आंदोलन को रोक दिया जाए, लेकिन सरकार की इस मंशा पर पानी फिरना है। हम लोग को शांतिपूर्वक केवल भाई मनीष के लिए न्याय की मांग करते हुए
बिहार वासियों के लिए न्याय की मांग करते हुए, और आज शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस है, तो इनके लिए भी नारा लगाते हुए हम लोग पैदल मार्च करते हुए शांति शांति से, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि काफी संख्या में लोग हैं, और मतलब भगदड़ नहीं होनी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।